नगर परिषद डभौरा में वार्ड क्रमांक 2 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय डभौरा का निरीक्षण करने के लिए पूरी टीम के साथ पार्षद वार्ड क्रमांक 2 के शिक्षित योग निर्भीक रावेंद्र इच्छित उनकी टीम के साथ समस्त वार्ड का निरीक्षण करते करते विद्यालय के अभिभावकों के साथ निरीक्षण विद्यालय का किया गया। निरीक्षण में देखा गया स्कूल की गतिविधियां और स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, समय पर पढ़ाते नहीं और बच्चों द्वारा राजश्री गुटखा मंगाया जाता है, जिसकी शिकायत पर पार्षद द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक सुधीर तिवारी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों द्वारा कोई समस्या है तो वह मुझे विशेषकर बताएं। साथ ही मेरी गलती ये भी बात सुनी गई कि जब शिक्षकों की बात की गई तो उन्होंने शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि समस्त शिक्षकों द्वारा उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए सम्मानपूर्वक आगे से इस तरह ना होने की बात कही गई। इसके बाद शिक्षक संपत दुबे द्वारा 2 दिन बाद अभिभावककर्ता द्वारा धमकी दी गई कि आप मेरे स्कूल में क्यों आए और मेरे स्कूल में आकर किससे परमिशन से निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अभिभावकों ने पार्षद कार्यालय में जाकर अपनी समस्या बताई और कार्रवाई की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्षद रावेंद्र राय दीक्षित द्वारा मीडिया के माध्यम से मामले को संज्ञान में लिया गया, जिसमें मीडिया के साथियों ने विश्वविद्यालय जाकर परिषद द्वारा जांच किया तथा वहां प्रधानाध्यापक तिवारी ने बताया कि मेरे जानकारी में मामला आया है, लेकिन मेरी जानकारी में परिषद के अंदर कभी ऐसी घटना नहीं घटित हुई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। स्कूल का क्या मामला सर? स्कूल का नगर परिषद वार्ड 2 का पार्षद हूँ, इसके चलते हमारे वार्ड में स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय काफ़ी दिनों से चल रही है, 8वीं तक स्कूल है, उसमें तकरीबन 150 बालक हैं और 6 शिक्षक हैं, और उससे कई दिनों शिकायत आ रही थी हमारे पास कि पढ़ाई नहीं हो रही है और कई अव्यवस्थाएँ हैं। और वहाँ स्कूल जाकर हम लोग निरीक्षण किया, हमें वो मेरी टीम ने वहाँ देखा कि एक तो शिक्षक समय पर नहीं आते, 10 बजे हम लोग हमारी टीम पहुँच गई तो 11 बजे तक शिक्षक नहीं आए हैं, और उसके बाद जो शिक्षक आए हैं प्रधानाध्यापक जी हैं सुधीर तिवारी जी, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बोला कि मेरी शिक्षक सुनते ही नहीं है। उसके बाद स्कूल का हमने निरीक्षण किया तो स्कूल में कहीं क्लास में पानी भरा है, कोई बच्चों से शिकायत आ रही तो बच्चों से राशि मंगाते हैं, पाँव भिजवाते हैं, और उसका निरीक्षण करके हम लोग चले आए। उसके बाद मीडिया में जहाँ जहाँ था उन्होंने बात करी, उसके बाद आज जो शिक्षा का संपर्क दुबे नाम थे जी, जो हमारी टीम गई थी, जो अभिभावक गए थे हमारे साथ, उनके घर जाकर उनको धमका रहे थे कि तो हमारे स्कूल में कैसे आए, हमारे स्कूल में क्या किया, ये सब तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरा जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा अधिकारी जितने भी अधिकारी, उनसे ये पूछना है कि आपने पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे हैं कि ददुआ गैंग के खूंखार आदमी रखे हैं? ददुआ गैंग तो ख़त्म हो गई, तो एक बार आप क्या शिक्षक के नाम पे गैंगवार करना चाहते हैं हमारे डबोरा बस्ती में? तो मेरा अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण की कार्रवाई करें, अन्यथा स्कूल में अभिभावकों के साथ हम लोगों को अनशन बैठना पड़ेगा। धन्यवाद। ओके।